कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस सेट 4.1 फाइंड रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म वो तो सबसे सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करो। फर्स्ट वन 72/16, दोनों भी इवन नंबर है। 2 3 6 2 0 2 3 6 1 कैरी 2 6 12, फिर 2 1 2 2 5 10, 30 भी इवन है, 36 भी इवन है, तो 2 से डिवाइड होने वाला है। 2 15 2 1 2 2 8 16, फिर अब 3 से 3 5 15 3 6 18, तो आंसर कितना आया 6/5, 38/57। एक इवन है एक ऑड है, पर मेरे को टेबल याद है 20 तक, और यार 19 2 38, 19 3 57 किस तो भी आता है, तो 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, आंसर आया 2/3। फिर 52/78, दोनों भी इवन है। 2 3 6 1 कैरी, 2 9 18, 2 2 4 1 कैरी, 2 6 12, 26 और 39, 13 के टेबल में 13 2 13 3, आंसर आया 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। 700 रुपीज, 308 रुपीज, दोनों यूनिट सेम है, ठीक है। फिर 700/308, दोनों भी इवन है, मैं कोशिश करता हूँ 2 से डिवाइड करने की। 2 1 2 1 कैरी, 2 5 10, 2 4 8, 2 3 6 1 कैरी, 2 5 10, मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 5 4 3 5 0, दोनों इवन है। फिर से 2 से 2 7 14, 1 कैरी, 2 7 14, फिर से 2 से 2 1 2 1 कैरी, 2 7 14 1 कैरी, 2 5 10, अब कितना है 77, ऑड नंबर है, 175 ऑड नंबर है, इसको बस 7 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, इसको 7 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, इसको 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 1 7 7 2 14, 17 में से 14 करें, हाँ होता है, हाँ तो फिर मैं क्या करता है 7 1 7 7 1 7, 7 2 14, 15 16 17, 3 बचे तो कितना हुआ 35, 7 5 35, अब इसको नहीं होता है 25/11, क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है, छोड़ दो उसको। दूसरा 14 रुपीज, 12 रुपीज 40 पैसा, अब देखो यहाँ पे रुपीज भी आया 40 पैसा भी आया, यहाँ पे बस रुपीज है, तो 14 रुपीज का मतलब कितना होगा, कितने पैसे हो गए, 1 रुपीज इक्वल टू 100, तो 1400 कहाँ पे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, तो 14 × 100 कितना आया 14 रुपीज, मतलब 1400 पैसा, और 12 रुपीज 40 पैसा मीन्स 1200 पैसा प्लस 40 पैसा कितना आया 1240। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखो 1400/1240, अभी 1400 कहां से आ गया, अरे भैया वो रुपीज में लिया है, उसको मैंने पैसे में कन्वर्ट किया, रुपीज और पैसा साथ में थे उनको ऐड किया, इसको पहले पैसे में कन्वर्ट किया और 40 पैसा उसमें ऐड किया, ठीक है, 0 0 कट हो गए, 2 से डिवाइड करता 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 0 इवन नंबर, 2 3 6, 2 1 2, 2 35, अब डिवीजन स्टॉप करो, क्यों 31 एक प्राइम नंबर है, उसके आगे डिवीजन नहीं होता है। थर्ड वाला 5 लीटर और दूसरा 2500 मिलीलीटर, हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर कितना हो गया 5000 मिलीलीटर, और यहाँ पे 2500 मिलीलीटर, यूनिट दोनों के सेम हो गए। अब रिड्यूस फॉर्म में 2500 मिली मिली गेट कैंसर, 1 2 1 2
25 तो रिड्यूस फॉर्म कितना है 2/1. 3 years 4 months. इन वन ईयर 12 months आ गया. तो 3 year में कितने मंथ आने वाले हैं? 12 3 36 months प्लस 4 months कितने हो गए? 40 months. 5 year में कितने मंथ आने वाले हैं? 12 5 60 months प्लस 8 months कितना आया? 68 months. अब इसको सिंपल फॉर्म में 40/68. 2 20s 2 3s 2 4s 2 17s 2 10s. तो आंसर आया 10/17. 17 खुद एक प्राइम नंबर है. फिफ्थ वाला 3.8 kg 1900 ग्राम. दोनों सेम नहीं, पर हमें पता है क्या है. 1 kg = 1000 ग्राम. तो 3.8 × 1000 कितना आने वाला है? 3800 ग्राम. क्योंकि पॉइंट एक जीरो कट होगा 3800 और दूसरा क्या है 1900. रिड्यूस फॉर्म में 3800/1900. 2 0 2 0 कट. 19 1 19 19 2 38. रिड्यूस फॉर्म में रेशियो आया 2/1. 7 minute 20 second 5 minute 6 second. ठीक है, सेम नहीं है, पर एक बात मेरे को पता है. 1 minute = 60 second. तो 7 minute कितना हो गया सेकेंड में? 6 7 42. 420 second प्लस दिस 20 second कितना आया? 440 second आया. 5 minute का मतलब कितना होगा? 5 6 30 300 second प्लस 6 second कितना हुआ? 306 second. सेकेंड में आ गया. अब रेशियो ढूंढना है. 440/306. 2 1 2 1 2 5 10 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 0 0. 220/153 डिवीजन नहीं होता है, कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है. तो 220/153. क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेशियो इन रिड्यूस फॉर्म. सेम रिड्यूस फॉर्म, जब भी अपॉन में 100 आता है तो दिया है, जो भी कुछ दिया है वो परसेंटेज के फॉर्म में है, क्योंकि अपॉन में 100 आ गया वो परसेंटेज में होता है. अब ये जो परसेंटेज है उसको सिंपल फॉर्म में लिखो. ठीक है, 75/100. 25 1 25 25 2 50 25 3 75 25 4. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आया? 3/4. इसके आगे कोई नहीं जा सकता. 44/100. 4 1 4 4 1 4 4 2 8 2 बचे. 4 5 20. आंसर आया 11/25. परसेंटेज था उसको रेशियो के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसके आगे सिंपल नहीं होता है. 6.25 परसेंटेज को हटा दिया 100. डेसिमल को हटाना है. ठीक है, डेसिमल को भी मैंने हटा दिया 100 अपनी जगह पे, पर जब हम डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 है, तो 2 0 नीचे 2 मतलब एक ही होगा. ठीक है, 625 किसका स्क्वायर है? 25 × 25 का स्क्वायर 625. अब 100 को मैंने कैसे लिखा? 25 4 100 और 25 4 100. इस 100 को मैंने 25 × 4, इस 100 को मैंने 25 × 4. सर ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से बहुत आसान होगा. ऊपर का 25 नीचे का 25, ऊपर का 25 नीचे का 25 कट होगा. ऊपर क्या बचा? 1. नीचे क्या बचा? 1/16. 6.25% इसका मतलब होता है रेशियो में 1/16. फोर्थ वाला 52:100 वो तो परसेंटेज है, इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है. 52/100. 2 2s 4 2 6 12. 2 50s 2 1s 2 2 3s 2 25s. इसके आगे नहीं होता है क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर. स्टॉप डिवीजन 0.64%. तो मैंने 0.64 परसेंटेज को हटा दिया, अपॉन में 100 आ गया. ठीक है, पॉइंट को रिमूव करना है, हम कर सकते हैं. तो 100 अपनी जगह पे, फिर से 2 0 ऐड करें. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 ऐड के 1 चुपका देना, ये तो अपनी प्रोसेस है. 64 को मैंने दिया 4 × 4 × 4 4 4 16 16 4 64.
जो 100 है इसको मैंने दिया 25 इंटू 4 और 25 फोर 100, ठीक है, एक फोर कट, ऊपर क्या बचा 4 और 25 25 625 4 अपॉन 625, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड होता है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसको 5 से डिवाइड होता है तो इसको 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब इसके आगे डिवीजन नहीं होता है।